हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पी स्क्वायर व्लॉग। ये हमारा पहला व्लॉग है और हम ट्रैवल कर रहे हैं मध्य प्रदेश टू बैंगलोर। इट्स प्रिटी मच 5:30 राइट नाउ और अभी हम जस्ट निकले हैं यहाँ से। देखते हैं जर्नी कैसी होगी। मेरा फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा इतना लंबा। लेट्स सी। मेरे साथ मेरी को पैसेंजर है और यू कैन से बेटर हाफ मेरी वाइफ। परेशान करने के लिए चाहिए कोई भी, तो रास्ते में नहीं चल जाता। सारा सामान हमने पैकर्स एंड मूवर्स से भिजवा दिया था, कुछ बच गया जो हमने सोचा कि यार वो डेलीगेट है और केयरफुली लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। इट्स बेटर कि अपने साथ ही लेके जाएंगे, लाइक टेलीविज़न और कुकर, इसलिए क्योंकि पैकर्स मूवर्स वाले का कोई भरोसा नहीं कब तक पहुंचाएंगे। जाके हमें बाहर की तो आदत नहीं लगानी। इस बार तो हालत ख़राब हो गई मेरी बाहर खा के। एंड घर का खाना है, बाहर का खा के इतना हालत ख़राब हो गया है इनकी वजह से। क्यों? क्योंकि आप वीक में कम से कम 4 बार बाहर ही खाते हैं। तो ऐसे हमको भी खाना पड़ता है। 2 हफ्ते में एक बार बाहर जाते हैं। 2 हफ्ते में नहीं है, 2 हफ्ते में एक बार बाहर जाते होंगे भले, पर मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है लाते तो डेली नहीं। मैं 2 हफ्ते में एक बार बाहर जाती हूँ और लाते क्या है, नूडल्स और डेली आता है। नूडल्स और डेली क्या आता है 15 दिन से अपने घर में से। डेली क्या आता है? नूडल्स और मोमोज। नूडल्स और मोमोज बाहर से खाते हैं और बाहर से नहीं खाएंगे तो घर पे बना सकते हैं। तो बात तो वही हो गई। खाना जब हेल्दी है तो फिर बाहर का क्या, अंदर का क्या। हम लोग रुके हैं अभी एक ढाबा में चाय पीने के लिए। नहर के पास में ही है, लेकिन ढाबा का नाम नहीं पता। थोड़ी नींद आ रही थी तो चाय पी हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, पूरी भाजी। मन में नहीं था खाने का। चाय अच्छी है भैया, देख के तो नहीं लग रहा पानी पानी लग रहा। कैसी है चाय? पानी पानी देखिए लग रहा है उस पानी पानी हो गया। चाय पानी पी के फिर मिलते हैं। का थोड़ा चाय और कुछ खाना के लिए मुझे खाने के लिए कुछ मिला नहीं यहाँ पे। जगन्नाथ स्वामी फैमिली क्या लव है बट शी इज़। जाते हैं जबलपुर, कुछ देखते हैं कुछ मिल जाए, वहाँ कुछ खाएंगे, कुछ देर रुकेंगे, हाथ पर सीधा करेंगे उधर। शी नॉट टायर्ड जस्ट। इतना थक क्यों गई हो यार? गाड़ी चला हम रहे हैं, थक तुम गई हो, चाय तुमको पीना पड़ रहा है। नहीं हो रही 2-3 दिन से, इसलिए बहुत थकान है, आँख ही नहीं खुल रहा है, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा कोई नहीं है, चाय को एंजॉय करो ये वाले को। जबलपुर में कुछ खाओगी कि पहले ही कुछ खाना है? जहाँ मिल जाएगा वहाँ। अभी हम लोग जबलपुर पहुँचने वाले हैं, 20 किलोमीटर बचा हुआ है और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ मिला ही नहीं, दो जगह रुके लेकिन बस चाय ही मिला, ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। प्लान है जबलपुर में जाके कुछ खाएंगे खाना वाना, लेकिन चाय पी के थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, आंखें नहीं खुल रही थी नहीं तो। थकान नहीं हो रही है? नहीं बिल्कुल भी। बीच बीच में क्रूज कंट्रोल हेल्प कर देना ना। सही बात। तो गाइस मैं आप लोगों को रोड दिखाती हूँ, व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। देखिए क्लाइमेट कितना अच्छा है, रुकने लायक नहीं। रुकने हाईवे पे कहाँ रुकेंगे, कुछ है ही नहीं हाईवे पर रुकने लायक नहीं, साइड में उतरने लायक। लेकिन पता है क्या उतरने लायक ऐसा लग रहा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाँ तो बहुत ही ह्यूमिडिटी। हम लोगों को फाइनली एक ढाबा मिला है ना, अन्नपूर्णा ढाबा। हम लोगों ने लंच कर लिया। जबलपुर से थोड़ा आगे लखना डॉन। खाना उतना टेस्टी नहीं था बट ठीक था, फिर भी ओके लाइफ सेवर था। सुबह से कुछ खाया नहीं थे, हाँ सुबह कुछ भी नहीं खाया था। हो गया ना गणेश पूजा? नहीं अभी कैसे हो जाएगा, कल ही तो रखा है, 10 दिन का होता है ना। ठीक 10 दिन का होता है ना। हम लोग अपने होटल से अभी कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर नहीं 1.9 नहीं ये तो हाँ 3 किलोमीटर दूर है। हम लोग होटल पहुँचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा खाएंगे पहले तो एकदम, और सोच रहे हैं कहीं घूमने का लेकिन हिम्मत नहीं हो रही यार मेरी। घूमने का सोच रहे हैं, देखेंगे, बहुत मन करेगा तो जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे, है ना यार। लेकिन अच्छा ट्रिप था नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि इतना मैं कवर कर लूँगा। मैंने इतना सोचा नहीं था इतना मैं कवर कर लूँगा। नहीं मुझे तो पता था कवर कर लेंगे। और कल ज़्यादा लंबी जर्नी होगी तो कल वी विल स्टार्ट अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग। अगर टाइमली पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग हैदराबाद में रुक जाएंगे। कोशिश करेंगे कि टाइमली। हैदराबाद में घूमने को बहुत कुछ है, फिल्म सिटी है। वैसे हम कितने बजे निकले हम हैदराबाद? भी अगर पहुंचेंगे तो मुझे लग रहा है अराउंड 2 PM के बाद, 2 PM ऑलमोस्ट या 2 PM। वैसे हम लोग थोड़ा हैदराबाद घूम के जा सकते, क्या बोलते हो? या तो घूमेंगे तो फिर हमें रुकना पड़ेगा, ये रात बहुत लेट नाइट ड्राइव करना प्रेफर नहीं करता मैं, अदरवाइज लेट नाइट पहुंचेंगे कोई मतलब नहीं है। हैदराबाद से बैंगलोर कितना दूर है? हैदराबाद से बैंगलोर है 500। अगेन 500। फिर तो रात हो जाएगी। 500 आई थिंक, नॉट 500 1100 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर। लेकिन मैं सोच रही हूं कि हैदराबाद में स्टे कर लूं, नेक्स्ट डे फिर निकल जाऊं। लेट्स सी, देखेंगे अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो वाई टू वेस्ट और टाइम की वहाँ भी सेटल करना है, टाइम नहीं मिलेगा। चले जाएं। हाँ बेटर कि चले जाएं, लेकिन हम सोच रहे हैं जब आ ही गए तो क्यों कुछ देख लेगा। ठीक है देखते हैं। तो गाइस हमारा व्लॉग हो सकता है 3 दिन का हो, देखते हैं। आज हम अगर प्लान बना तो हम लोग हैदराबाद में रुक जाएंगे। अभी तक हमने कवर किया 578 kilometers, which took around 10 hours. बहुत ट्रैफिक है गाइस, मैं दिखाती हूँ। कितना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है ना। ट्रैफिक तो हो गया, लेकिन कुछ कमाल के बाइक वाले भी हैं। आगे पीछे से घुस जाते हैं। में बहुत परेशान कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग होटल आ चुके हैं। हाँ मेरे हालत खराब हो गई है। हाँ मेरे भी। रूम लुक्स गुड। मेरे को लग रहा था कि ले मेरिडियन के कंपैरिजन में इतना अच्छा होटल नहीं है नागपुर। मेरे को लगता है होटल अशोका फार बेटर। आई थिंक 2800 फॉर दिस रूम एंड इन ले मेरिडियन यू कैन फाइंड इट 7000। तो आई थिंक ये होटल काफ़ी अच्छा है, और दे हैव प्रोवाइडेड मी a suite and you can look at here. It's pretty much enough. It's pretty much, you know, wow in the moment. It's